हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सीखिए हर बार कुछ नया और मजेदार। सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम जानेंगे एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के बारे में, जो मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर, यानी द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वारिचु हाज, सत श्री अकाल जी, की हाल है? वड़कम, एप्पणी सुकम। नमस्कार, केम छो, मजा में छो ने? सिबाई, इदम हम। तो देखा बच्चों, कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से मिजोरम तक हम सभी अलग अलग रहन सहन, अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद कितनी एकता यानी यूनिटी से रहते हैं। इसी को तो कहते हैं विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारे देश की इसी एकता को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है एकता दिवस। और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी से अच्छी डेट कोई नहीं हो सकती। तो आइए बच्चों, पलटते हैं हिस्ट्री की किताब के पेजेस और जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में। प्यारे बच्चों, आजादी से पहले यूं तो इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर आता था, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जहां राजा और महाराजा हुआ करते थे, और इन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। ऐसी लगभग 560 प्रिंसली स्टेट्स थी जो आजादी के बाद इंडिया का पार्ट बनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल की अपार राजनीतिक समझ, उनकी बातचीत में एक्सीलेंस और उनकी कड़ी मेहनत के बाद ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनी और फाइनली बना एक यूनाइटेड इंडिया, और वो भी बिना किसी झगड़े और खून खराबे के। और इसीलिए सरदार पटेल को कहा जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पर देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया और आजादी के बाद भी इंडिया को यूनाइटेड रखने में बड़ा सहयोग किया। वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। सरदार पटेल द्वारा किए गए योगदान को याद करने के लिए और देश में एकता की जागरूकता लाने के लिए एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एकता ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी यानी 31 अक्टूबर को हर साल एकता दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया, और इसी दिन 2018 में उनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर इनॉग्रेशन हुआ वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर्स है, मतलब बहुत 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 ऊंची है। ये स्टैच्यू सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा नदी पर है, जो वडोदरा शहर से 100 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों याद रहे, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी एकता, हमारी यूनिटी में। तो सबके साथ मिलजुल कर रहिए और लाइफ को खूबसूरत बनाइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।